दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिडनी सिक्सर और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाले चैलेंजर मैच का। और इस मैच के जो भी जीतेगा वो जो है पर्थ के साथ जो है वो फाइनल खेलेगा। तो देखेंगे किस तरह से जो है मैच हो सकता है, किस तरह से जो है दोनों टीम अभी तक परफॉर्म की है। और अगर हम दोनों टीमों की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि सिडनी सिक्सर जो है रिसेंट जो इनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ मैचों को आप निकाल कर देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि उतना जो है वो क्लियर नहीं रहा है और उनमें जो है बहुत ज़्यादा मोमेंटम की जो है कमी देखने को मिली है। और ये हमें एडलेटे की बात करते हैं, एडलेटे का अगर आप सेकेंड हाफ देखोगे तो सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिलेगा कि जो सेकेंड हाफ था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मैचेज जीते हुए आ रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे जो है नॉकआउट मुकाबले जो है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है शानदार रहे हैं। और पिछले 6 मुकाबले आप देखोगे तो 6 मैच जो है लगातार जीत के जो है वो आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है परफॉर्मेंस रहा है, जहाँ पे एक तरह से जो है एडलेटे ऐसा लगता था कि वो जो है पीछे से एकदम बिल्कुल लास्ट से जो है वो पॉइंट टेबल के सेकंड पोजीशन से जो है वो ऊपर तक की तरफ आ रहे हैं और अभी एक स्टेप दूर जो है वो फाइनल खेलने के लिए, तो अपना पूरा जी जान जो है वो झोंक के खेलेंगे। और सिक्सर का भी जो यही हाल है, सिक्सर का परफॉर्मेंस जो है शुरुआत के जो हाफ था उसमें काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन सेकेंड हाफ में जो है थोड़ा सा डगमगाल जो है वो स्थिति रहा, लेकिन फिर भी सेकेंड पोजीशन पर जो है वो अपने आप को बरकरार रखा। और यही रीज़न है कि आज जो है आप इनको यहाँ पर देख रहे हो। अब हम बात करें किस तरह से जो है दोनों मैचेस हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना अगर पसंद आया था आएगा तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे जो है PSL से रिलेटेड और BPL से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ में आप कॉल फॉर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो आप देखोगे अगर मैच की बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे 26 जनवरी को जो है ये मैच खेला जाएगा। टाइमिंग जो होगा 12:25 पर जो है देखने को मिलेगा और ये आपको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी पर जो है देखने को मिलेगा। और सिडनी से क्रिकेट ग्राउंड की बात करते हैं तो ये जो है एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड जो है पिच आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देखोगे स्पिनर जो है थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट करता है, लेकिन ग्राउंड जो है बिल्कुल फ्रेश होगा क्योंकि चैलेंजर मैचेस है। तो फ्रेश होगा तो शुरुआत में जो है थोड़ा सा मदद जो है जरूर मिलेगा जो बॉलर्स होंगे उनको, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश ग्राउंड जब होता है तो आप देखोगे कहीं भी जब फ्रेश ग्राउंड पर थोड़ा सा मैचेज होगा तो आपको जो है शुरुआत में कुछ बॉलर को जो है ज़्यादा बेनिफिट देखोगे, लेकिन जैसे जैसे जो है वो थोड़ा सा पीछे स्टेबल होता जाएगा तो उसके बाद जो आप देखोगे कि वहाँ पे धीरे धीरे जो है बैटिंग को भी जो है वो वहाँ पे एवरेज जो होगा मिलना शुरू हो जाएगा और एक अच्छा सा जो है वो स्कोरिंग एरिया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आप किस तरह से मैचेज हुए, तो टोटल 48 मैच अभी तक यहाँ पे हुए जिनमें से 22 जो है फर्स्ट बैट जीता है, 25 जो है सेकंड बैट जीता है। और फर्स्ट बैट एवरेज आप देखोगे तो 157 है, यानी कि 160 के आसपास है, जो कि एक अच्छा खासा जो है एवरेज आपको देखने को मिलेगा। और खासकर ऐसे हाई प्रेशर वाले गेम होंगे तो सो है वो एक अच्छा सा जो है स्कोर आपको यहाँ पर नजर आएगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 150 से नीचे आपको दिन मिलेगा 18 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में 12 स्कोर है, और 170 से 90 के बीच में आप देखोगे तो आपको दिन मिलेगा कि यहाँ पे 12 स्कोर है, और 190 से ऊपर आप देखोगे तो देखने को मिलेगा आपको कि 6 स्कोर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं, टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री के बीच में रहने वाला है, बारिश चांस 20%, यानी मैच आपको पूरा जो है देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि टॉस की, तो टॉस जीत ज्यादा चांसेस सिक्सर जो है टॉस जीत पहले बैटिंग करना पसंद करें और कोशिश करेगा कि एक अच्छा सा रन बना के जो है वो दबाव डालना एडलेटे पे शुरू करें। इसके अलावा हम बात करते हैं टीम न्यूज़ का, तो दोनों टीमों की तरफ से जो है अभी तक जो है कोई ऑफिशियल टीम न्यूज़ जो है वो नहीं आया है। इसका मतलब यही है कि ज़्यादातर चांसेस यही है कि दोनों टीमें जो है वो सेम टीम के साथ जो है खेलने वाली है, और दोनों टीमें ऑलमोस्ट जो है आप देखोगे तो अपने फुल स्क्वाड के साथ जो है वो दोनों टीमें अवेलेबल है, तो दोनों टीमों में जो है वो कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा नहीं, कोई फोर्सफुल बदलाव होगा और उसके अलावा जो है कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों टीमों के लिए मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जरूर कोशिश यही करेगी कि जो इनका फुल स्क्वाड है उनमें से अपने बेस्ट प्लेइंग 11 है उसको लेकर जो है वो खेले। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है, तो अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो आप देखोगे सिक्सर की तरफ से जॉस फिलिपे, जस्टिन एवेनेंडो, इसके अलावा जो आपको मोइस हैंडिस, जॉर्डन सिल्क, डेनियल क्रिस्टिन, सीन अबाउट निकोलस बर्टल, इसके अलावा जो है हेड एंड केयर, डिबेंड वारिसिस, नेथन लैन, और इसके अलावा जो है एसवी ओकपी को आप देख सकते हो प्लेइंग 11 में। और यहाँ से अगर हम कीपर की बात करते हैं तो जॉस फिलिपे का फॉर्म जो है पिछले कुछ मैचेस देखने को मिल नहीं रहा, तो हो सकता है इसमें आपको फॉर्म अच्छा देखने को मिल जाए। इसके अलावा मोइस हैंडिस का भी सेम हाल है तो भी आप इनसे फॉर्म देख सकते हो। इसके अलावा जॉर्डन सिल्क, डेनियल क्रिस्टिन का फॉर्म अभी अच्छा है तो आप इनको लेकर चल सकते हो, साथ में सीन अबाउट का, इसके अलावा हेड एंड केयर, बेंड वारिसिस और नेथन एल का भी ठीक है, एसवी ओकपी पर जो है ठीक है। तो बॉलिंग में जो है सिक्सर काफ़ी अच्छा है, आप इनके बॉलर को जो है करके चल सकते हो, साथ में बैटिंग में भी जो है पिक करके आप चल सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे
एटलेटा स्ट्राइकर के एटलेटा स्ट्राइकर आप देखोगे तो मैथ्यू शॉर्ट, इसके अलावा जब देखोगे तो एलेक्स कैरी, इसके अलावा यन कॉकवॉल, इसके अलावा थ्रॉयस हेड, जोनाथन वेल्स, मैथ रैनसो, इसके अलावा थॉमस कैली, हेनरी और थॉर्नर, इसके अलावा जो पीटर सिटल, हेनरी कॉनवे और फवाद अहमद को जो है पिक करके चल सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं तो इनका बैटिंग डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल जो है आपको देखने को मिलेगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है थोड़ा सा कमजोर है इनका, जिनमें पीटर सिटल जो है वो ठीक है, बाकी बॉलर आप देखोगे तो बाकी बॉलर जो है उतना अच्छा जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये रीजन जो है पहले से भी देखने को मिल रहा है और जब से राशिद खान ने, थोड़ा सा टीम जो है कमजोर जरूर पड़ रहा है लेकिन बैटिंग जो है वो काफ़ी अच्छा जो है फायर पावर रखा है, जिसमें आप मैथ्यू शॉर्ट को लेकर चल सकते हो, एलेक्स कैरी को, इलॉन कॉक भी जो है वो ठीक है। इसके अलावा जब देखो जोनाथन वेल्स का भी और मैट रेनसो का भी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा चल रहा है, तो आप इनमें से जो है पिक करके चल सकते हो। और ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक अच्छा सा जो है प्रॉफिट बना के आपको दे देंगे, एक अच्छा सा पॉइंट जो है वो अर्न करके आपको दे देंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो आप देखो रिसेंट परफॉर्मेंस में तो सिक्सर जो है रिसेंट 5 मैचों में से 3 जीता है, 2 हारा है, और वहीं एडलेटे जो है रिसेंट 5 मैचों में से 5 जो है वो जीता है, कोई भी जो है अभी हारा नहीं है, और रिसेंट 6 मैचेज उठा ले तो 6 के 6 जो है वो जीत के आ रहा है। इसके अलावा हम हेड टू हेड की बात करें, दोनों टीम अभी तक 16 मैचेज खेली है, जिनमें से 10 जो है वो सिक्सर जीता है, 6 जो है वो एडलेटे स्ट्राइकर जीता है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं हम यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम हम अभी देखेंगे, तो अगर हम इनका एडिशन देख लेते हैं पिछले कुछ मैचों का, तो आप देखोगे तो दोनों टीमें जो है वो 150 के आसपास के एवरेज जो है एक दूसरे के खिलाफ मेंटेन की है। सिक्सर का जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। फर्स्ट बैट करते हुए दोनों टीमें ने 2 3 3 मैचेज जीते हैं, सेकंड बैट करके सिक्सर ने जो है 7 मैचेज जीता है, वहीं एडलेटे जो है वो 3 मैचेज जीता है। और अगर हम विनिंग चांसेस की बात करें तो आप देखोगे 60% मैचेज जो है अभी सिक्सर जीता है, और 40% के आसपास मैचेज आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे एडलेटे जो है वो जीता है। अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम का, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। साथ में यहाँ पे जो है आपको बीबीएल तो आप 2 मैचेज और बचे हैं, उसके अलावा जो है आपको बीपीएल जो है मैचेज चल रहा है, साथ में आप जो है आप पीएसएल स्टार्ट होने वाला है, तो पीएसएल का जो है जो भी मैचेज है उससे रिलेटेड जो सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, और बढ़िया तरीके से आप प्रोफाइल उठा के चल सकते हो। इसके अलावा जो है आप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलना, और ये डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जो आप मुझसे जुड़ सकते हो। आप जरा देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम कैसे बनाना है और किस तरह जो आपको टीमें बना के चलनी है। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम का, तो आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको किसको पिक करके चलना है, किस तरह से जो है टीमें बनानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप विकेट कीपर में, तो आप जो है आपके पास जो है जॉस फिलिप और एलेक्स कैरी दोनों फॉर्म में है, दोनों को पिक करके चल सकते हो। बैटिंग की बात करते हैं तो आपको हैंड्रिक्स करके चलना है, इसका जोनाथन वेल्स को चाहो तो आप पिक कर सकते हो। डेनियल ह्यूज का जो है अभी चांसेस कम है, या जैक विदरन भी जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में आप पिक कर सकते हो, या जैक एडवर्ड जो है ये भी अभी लास्ट मैच में नहीं थे। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ट्रेविस हेड को आप छोड़ सकते हो, परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रहा है, 2 मैचेस खेले दोनों जो है फ्लॉप रहा, और इसमें देखने को मिल सकता है। आप रिस्क लेना चाहते हो तो जीएल टीम में लेना, ऐसे मत लेना। डेनियल क्रिस्टन को ले सकते हो, सीनियर बॉट को ले सकते हो, मैथ्यू शॉट को जो है पिक करना मस्ट है। और इसके अलावा हम बात करते हैं बॉलिंग में, तो पीटर सीडर को जरूर पिक करना, इसके अलावा जो आप हेड एंड केयर को और सभी ओपी को आप चाहो तो पिक कर सकते हो, या फिर इनकी जगह जो है आप हेड एंड केयर जो है आपको मिलेंगे, या फिर जो बेन डेवाइस इनको पिक करके चल सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको देखने मिल जाएगा कि एक प्लेयर जो है वो बैटिंग डिपार्टमेंट से कम हो रहा है, तो उसके लिए जो हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं अभी के लिए जो है हम लोग जैक विदरलैंड को जो है पिक करके चल रहे हैं। तो अब हो गया कैप्टन वाइस कैप्टन की बारी, तो कैप्टन वाइस कैप्टन देखते हैं तो आप मैथ्यू शॉट देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो आप पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा एलेक्स कैरी को, जोनाथन वेल्स को, मैक्स होनिस को जो है पिक करके चल सकते हो। तो यहाँ पे कैप्टन जो है मैं शॉर्ट के साथ ही जाऊँगा, वाइस कैप्टन तौर पर मैं सीनियर बोर्ड के साथ जाऊँगा। और इसके अलावा और भी चाहते हो तो आपके पास जो भी यहाँ पे ऑप्शन है बैटिंग में, ऑलराउंडर में, सारे जो है एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो टीम प्रीव्यू, और इस टीम के साथ जो है अप टू 7 मेंबर आप खेल सकते हो। इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए, और आरजीएल के लिए टीमें चाहिए, और स्मॉल लीग के लिए टीमें चाहिए, तो आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बढ़िया सा प्रॉफिट उठा सकते हो इस लीग का भी और आने वाले लीग का भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।